हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है इस न्यू टिप्स वीडियो में, जो कि आपके घर में जो वेस्टेज है, जैसे कि ये बोतल होती है पानी की, और इस तरह की जो भी आपके पास डब्बे होते हैं, तो आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं बहुत ही सुंदर प्लांट्स के रूप में। तो यहाँ पे ये मेरे पास ये बहुत ओल्ड सी एक वीडियो रखी हुई थी बोतल, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे रीयूज़ कर लूँ। और ये बहुत बड़ी सी एक विस्लरी की एक पानी की बोतल थी, तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे इस तरह से हल्का सा नाइफ को गर्म कर लिया था और कट कर लिया था। तो आप देख ही सकते हैं, इसको मैंने टू पार्ट में कर लिया और दोनों को अच्छे से यूज़ किया था। और इतने प्यारे मैंने इनको इसमें लगा दिया था टमाटर का पौधा, जैसे कि टमाटर महंगे भी हो गए हैं तो घर के टमाटर होंगे, और यहाँ पे ये स्नैक वाला ये प्लांट था। तो इनको इस तरह से मैंने कितना सुंदर यूज़ लग रहा है, तो आप भी ऐसे कर सकती हैं। तो ये टिप्स आपको मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और पहली बार मैं एक टिप्स वीडियो आपके साथ लेके आई हूँ, होप सो आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। आगे आने वाली टिप्स मैं आपको बताऊँगी। तो अगली टिप्स मेरी है अपने नेल पेंट को लेके। तो सबसे बढ़िया जब नेल पेंट आप लगाते हैं और बहुत जल्दीबाजी में आपको होते हैं, पार्टी वार्टी अचानक से कहीं आपको जाना पड़ जाए, तो हम लेडीज़ों की प्रॉब्लम अक्सर ये होती है कि हम अब तैयारी भी कर रहे होते हैं, साथ ही साथ नेल पेंट भी लगाया होता है। पर क्या होता है ना, नेल पेंट लगाने के साथ ही अगर हम इधर उधर टच करें उन्हें, तो थोड़ा हमें फूक फूक मारना पड़ता है या तो थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ता है, और कभी हमारे पास वेट करने का टाइम होता नहीं है। तो अब सबसे अच्छा आप क्या करें, पानी आप किसी भी बर्तन में रख लें, ओपन से बर्तन में या मग्गे में किसी भी बर्तन में लेके नेल पेंट लगाएं, साथ के साथ एक बार डिप करके पानी में, और आपका जो नेल पेंट है एकदम से वहीं पर स्टे हो जाएगा, वो छूटेगा नहीं। और अगली जो टिप्स लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ फ्रेंड्स, मैं ये जो रबर बैंड होते हैं ये बहुत काम आते हैं, और इनका रीयूज़ मैं आपको भी बताऊँगी कि ये काम अक्सर आपको चोटी वगैरह में या बहुत सारी चीज़ों में भी हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये क्या होते हैं, जब लॉन्ग टाइम तक इन्हें जब रखते हैं तो ये ना चिपचिपे हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो आप इनमें सबसे अच्छा क्या करें, एक पाउडर लें, कोई भी नॉर्मल पाउडर आप जो भी यूज़ करते हैं घर में, वो पाउडर आप इनमें थोड़ा सा मिक्स करके इनको मिला के रख दें। आपकी सच बता रही हूँ ये आगे तक आपका चलता रहेगा, रबर आपकी कभी ख़राब नहीं होंगी। और ये आपकी टिप्स कैसी लगी ये भी बताना। नेक्स्ट टिप जो है, आप पाउडर हमेशा ऐसे ही यूज़ करते हैं, तो हम थोड़ा सा यूज़ कर रहे होते हैं स्किन पे या कहीं भी, तो क्या होता है ना, थोड़ा सा यूज़ करने के अलावा ज़्यादा सा हमारा निकल जाता है और वेस्ट हो जाता है। तो सबसे अच्छा आप कोई भी इस तरह से आप ले सकते हैं। ये मेरे पास एक बॉल था इस तरह का, जो रेडीमेड सब्ज़ी वगैरह ये आते हैं ना मार्केट के, तो आप इनको डब्बे को भी अच्छा यूज़ कर सकती हैं। तो इसमें मैंने इस तरह से ये रख दिया था पाउडर को निकाल के, और इसके जो है ये पाउडर लगाने का, और बहुत ही अच्छा बॉडी पे लग भी जाता है, और जो अदर हमारा जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट हो जाता है वो भी बच जाता है। तो कैसी लगी मेरी टिप ये ज़रूर बताना। और नेक्स्ट टिप्स मैं लेके आई हूँ आपके साथ और रबर बैंड को लेके। तो रबर बैंड को लेके मैं आपको बाद में बताऊँगी इनका कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे अच्छे आपको जब भी आप इस तरह से चाट इस तरह से खाते हैं ना, तो चने या मूंग दाल, तो मैंने मूंग दाल को भिगो के रख दिया था, और जिस नाइट आप भिगो के रखेंगे ना, तो उस नाइट में आपकी जो दाल है सिर्फ वो फूल जाएगी, और नेक्स्ट डे के लिए उसे बंद करके रख दें ताकि उसमें अंकुरित हो जाएं वो, और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहें। और इसमें आप चाट मसाला सारी वेजेस को भी काट के मिक्स कर सकते हैं। तो ये था, और इन बैंड का यूज़ करके भी आपको मैं दिखाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, जो मेरे पास रबर बैंड थी, इस तरह से हम जब भी पॉलीथीन नमकीन और बहुत सारी चीज़ों की पैकिंग आजकल पॉलीथीन में ही होती है, तो क्या होता है ना, जब भी हम ओपन करते हैं कोई भी चीज़ के यूज़ करने के लिए, जैसे मेरे पास यहाँ पर टैंक की एक ये रखा हुआ था पैकेट, और ये थी नमकीन का, तो हम ओपन करते हैं इनको, बाद में फोल्ड करके रख पाना या इनके क्या है ना सीलन जैसी आ जाती है। और मैगी का पैकेट ये बड़ा वाला था, थोड़ी यूज़ कर ली थी, कुछ बची हुई थी, तो अभी देखो जो रबर बैंड थी उनका कितना अच्छा इनके साथ यूज़ होता है। तो क्या है ना, इनको आप ऊपर से खुले हुए अपने एरिया को आप पकड़ें और इनमें बैंड इस तरह से डाल दें, क्योंकि एक हाथ में मेरा फ़ोन लगा हुआ था तो थोड़ा लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, बाद में आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से आप इनको कर दें, और ये सच बता रही हूँ नहीं सीलते हैं और बहुत अच्छे आपके बने रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना फीडबैक, और आगे भी आपके साथ ऐसी कभी टिप्स